तो गाइस ये वही गवर्नमेंट मेकिंग एरोप्लेन है जिसकी वीडियो हमारी सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, मतलब कि 1.5 करोड़ से बाहर ज्यादा उसे देखा गया था और 2.5 लाख से ज्यादा लाइक्स आई थी और सबकी डिमांड थी कि इसको पूरा ट्यूटोरियल बताओ कि इसको कैसे बनाते, तो इसके लिए मैंने सारा वीडियो बनाया, तो फटाफट से उसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक A4 साइज का पेपर लेकर आना है, उसे पकड़कर बीच में से अच्छे से मोड़कर एकदम सीधा कर देना है, जिससे एकदम ये प्लेन हो जाएगा। फिर इसको दूसरी तरफ पलटकर इसकी एक साइड को त्रिकोणा झुकाना है, जैसे कि हम एक प्लेन बनाते हैं। इसको ऐसे करके थोड़ा सा मोड़ देना है जिससे ये एक प्लेन की शेप ले लगाए। फिर इसको दोबारा प्लेन की शेप देना है, मतलब एक साइड से मोड़कर दूसरी साइड से अच्छे से मोड़ देना है, जिससे हमारी इसमें दो साइड की प्लेन शेप आ चुकी है। अब आपको करना क्या है कि इसको अच्छे से बीच में से पकड़कर थोड़ा नीचे की साइड ऊपर से इसको झुका देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा एक गोल डिजाइन बन चुका है। अब इसको पकड़ के पीछे की साइड अच्छे से झुकाना है, जिससे इसमें एक एरोप्लेन वाली शेप आ गई है। अब इसको अच्छे से एकदम सीधा कर देना, आपको करना कुछ भी नहीं है, बस जैसे पहले आपने फॉलो किया था उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इसको एक एक बार ऐसे करके और मोड़ना है, जैसे कि आप एक कोई सिंपल एरोप्लेन बनाते हो। तो ये हमारा एक प्लेन बनकर रेडी हो गया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। फिर आपको करना क्या है कि कैंची लाकर इसके आगे एक छोटा सा कट लगाना, जिसमें कि हम अपना रबर बैंड फंसा सके। तो आपको ऐसा एक कट कर लेना है, उसके बाद आपको कुछ रबर बैंड लेकर आने हैं और इन रबर बैंड को आपस में एक एक करके जॉइंट कर देना है, जिससे कि आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके की रबर बैंड चेन बनकर रेडी हो जाएगी, जो कि देखने में एकदम रियल लग रही है। तो अब आपको करना क्या है कि जो आपका एरोप्लेन है उसके अंदर इस रबर बैंड को अच्छे से एकदम फंसा देना है। उससे हमारा एक रबर बैंड एरोप्लेन बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए फिर इसको उड़ाकर देखते हैं कि आखिर ये कैसा होता है। तो जैसे ही मैंने यार इसको ले जाकर रबर बैंड को फंसा कर उड़ाया, तो एकदम मस्त तरीके से हवा में उड़ रहा था, जो कि देखने में यार काफी ज्यादा रियल लग रहा है। और आपको भी अगर ये ऐसा बनाना हो, आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो, तो यार इसको लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।